और कलश रखे हुए हैं। आज हम यही डेकोरेट करना सीखेंगे। दिया या कलश, जो भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं, उसे कलर करने के पहले आपको पानी में डुबो के रखना होगा या पानी से अच्छी तरह से धोना होगा। देखिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आप इन्हें धोएंगे नहीं तो जब आप कलरिंग करेंगे तब इनका गेरू निकल के आपके कलर्स में मिक्स होगा। धोने के बाद इन्हें अच्छी तरह से कपड़े से साफ करें। मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ और कुछ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। मैं सबसे पहले रेड कलर एज अ बेस लगा रही हूँ, क्योंकि रेड कलर बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, मैंने कलश और दिया दोनों रेड कलर से पेंट किया है। आप चाहें तो दूसरे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल दिए भी ले सकते हैं और इस तरह के डिज़ाइनर दिए भी ले सकते हैं। ये टेराकोटा के दीपक हैं, जो कि अधिकतर ब्राउन या फिर ब्लैक होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक कुल्हड़ जिससे कि आप चाय पीते हैं, उसको और एक सादे दीपक को जोड़ करके बनाया है। ये देखिए, एक नए तरह का दीपक बन गया है। आप इसे फेविकॉल से या फेविक्विक से इजीली जोड़ सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर या कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आप एक्रेलिक कलर्स से फूल, पत्ती या कोई भी डिज़ाइन, डॉट्स, कुछ भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें मोती, कांच, कुंदन, जैसा भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। जब हम कलर्स से कोई भी डिज़ाइन या कोई भी कलर करते हैं, अगर उसमें हम ब्लैक से हाईलाइट करें तो उसमें और भी उठाव आता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसे उल्टा करके बीच में ग्लू लगा करके शिमर से इसे डेकोरेट करेंगे। यह कुछ टेराकोटा के दीपक हैं, जिसमें कि डिजाइन्स पहले से ही उभरी हुई है। इसमें हम डिजाइन्स को और हाईलाइट करने के लिए ब्रश का सिर्फ टिप कलर में डिप करेंगे। इसमें पानी नहीं लगाना है, सिर्फ कलर में हल्का सा डिप करेंगे और हल्के हाथों से इसकी डिजाइन्स पर लगाएंगे, जिससे कि सिर्फ इसकी डिजाइन्स में ही कलर होगा और इसकी डिजाइन्स और हाईलाइट होंगी। देखिए, अभी एक और दीपक है जिसके पीछे की साइड में ग्लू लगा करके इसे दूसरे दीपक में पेस्ट कर रही हूँ। ये अब एक स्टैंड वाला दीपक बन गया है। देखिए, इसकी डिजाइन हाईलाइट होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, दीपक डेकोरेट करने का एक और आसान तरीका। हम इसके किनारे पे ग्लू लगाएंगे और उसमें कांच लगाएंगे। आप कांच की जगह मोती या कुंदन भी लगा सकते हैं। यह देखिए, एक और टेराकोटा का दीपक, जिसमें कि बहुत सारे दीपक लगाने के ब्लॉक्स हैं। इस पर मैंने ग्लू लगा करके शिमर लगाया है। हम इसके बीच में दूसरे दीपक भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने कुल्हड़ वाला जो दीपक अभी बनाया था वो रखा है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये डेकोरेशन अच्छा लगा होगा। आप भी आपके घर पर इसी तरह से डेकोरेट करें।
और अपने घर को सजाएं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।